ਸਨੀ ਕੈਂਸਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਆਏ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਰਮਾ ਹੁੰਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਝੂਠੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਗੁੰਡਾ ਖੜਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਮੁਸਕਰਾ ਰਿਹਾ ਮਸ਼ਕਰੀਆਂ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ फिर मेरे दिल में उस दिन तो यह भावना सी भी ये लेडीज भी सच्ची आ जेड़ा मेरे सामने कहिंदे ना अखा देखिया ते कन्ना सुनी दा विश्वास करी दा मैं वह चीज़ देखी है बैंस साहब ने मेरी सिस्टर जिहड़ी रियल सिस्टर थी उहदे नाल कोई इंसाफ नहीं किया ये लोक इंसाफ पार्टी ना इंसाफ पार्टी है इहदियां मेरे को रिकॉर्डिंगा भी ने बैंस साहब 2.5 लाख 3 लाख रुपए में फैसला करा रहे ने मोगे दे बंदे ने उन्हां दी बकायदा मेरे को रिकॉर्डिंग आ आशीर्वाद है जिहड़ा कैप्टन साहब का वह बैंस साहब नूं मिल गया होया बाकी एक फॉरमैलिटी करनी है सरोपा पा के भी आ गए जी साडे च तुहाडी मैं प्राइम उहदे तों बेनती करांगा तुन्ना जी कि इहनां नूं मजबूर कर दिओ सी पी साहब क्योंकि कानून अन्ना सुणिया सी ना तुसीं हुण बोला भी हो गया तो गूंगा भी हो गया ना तो पुलिस बोलती है ना जिहड़े जिन्हां दी सरकार आ उह बोलदे क्योंकि इहनां दा बनदा फर्ज बनदा जे अज फर्ज तों भज रहे आ ना तो किते ना किते जिहड़ा कारा बैंस ने कीता आ जिहड़ी घटिया हरकत की है जिन्होंने अच्छ घर कोई वाड़ के राजी नहीं जिहड़ी उन्हें की है तो नाल बराबर के आप शरीक बन रहे हैं जिहड़े अज लोग घर बुलाते से बुला नहीं रहे इसे करके नहीं बुला रहे कोई बलात्कारी है बलात्कारी कोई भी घर नहीं बुला एक गल याद रखना ना बुलायो जे बुलाओगे फिर यदा मतलब तुम इज्जतदार नहीं इन्हों का एक है गोगी शर्मा पी ए जिहड़ा आशू का भांज है मंत्री जी का उन्हें जाके ये फादर नाल बैंस की गल कराई जद यात्रा ते सी मुक्तसर कि अपनी भैन नूं समझाओ इनू 80 लाख रुपया ऑफर कर लिया इनू जान दियां धमकियां देतियां साडे वर्गे जिहड़े नाल खड़े आ उन्हां नूं गाला कढ़ातियां प्राइमू देखते सर दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है जी मैं इंद्रपाल सिंह ढोना जिमें कि सबनों पता 3 महीने पहले एक बीबी वालों विधायक सिमरजीत बैंस उत्ते कथित तौर पर बलात्कार के दोष लगाए गए सन सो अज 3 महीने बीत जाने बाद भी बीबी इस तरह पुलिस कमिश्नर के दफ्तर के जोड़े धक्के मैं कह सकता खा रही है पहले भी पोलीटल पार्टियां इस समर्थन में अज खास तौर पर हरीश राय ढांडा आए हैं कांग्रेस पार्टी वर्कर ने सब तो वही गल अमित कुमार बाबा जो पहला कांग्रेस पार्टी सके तो फिर लोक इंसाफ पार्टी गए हैं अज वे बीबी के हक में इतने धरने बैठने गलबात करेंगे अमित कुमार जी की कारण होया तुसी लोक इंसाफ पार्टी शामिल होए तुसी लोगों को इंसाफ दवाउण दी गल कीती अज तुसी इत्थे बैठे लोगों दे नाल की चक्कर है देखो साडा जिहड़ा मोटिव सीगा वह इंसाफ दवाउण दा सीगा जिद्दां कि असी हमेशा ही सच्चाई दे नाल चले आ हुण सानू एक पता जिवें लग्गिया है ना भी परिवार दे विच रह के ही मुखी का पता लगता भी मुखी किद्दां दा हुण जदों सानू मुखी का पता लग्गिया तो साडी जमीर भी जागी आ भी असी इहदे इंसाफ लई भी ये बीबी जिहड़ी गुरदीप कौर आ भी 3 महीनों तो हरासमेंट हो रही है भी असी इहदे इंसाफ लई भी बैठे हाँ इहदे नाल असी अज समर्थन दिता वा तो पार्टी नूं इस्तीफा दिता की गल आ जिहड़े बैंस साहब दे नाल सीगे बंदे काफ़ी समा हटाउण तो बाद उन्हें सच्चाई पता लगी आ तुसीं कुछ महीनों बाद ही कहिंदे सानूं सच्चाई पता लगी अजिही किहड़ियां गल्लां ने तुहानूं विधायक बैंस नूं छड्डणा पै गया इस्तीफा देना पै गया देखो पहला दा जिहड़ा ताज़ा मामला वा वह मेरी सिस्टर दा सीगा उत्थे मेरी सिस्टर दे इदां सीगा लड़ाई होई सीगी मेरे मतलब जिहड़े जीजा जी सीगे उहनां दी लड़ाई होई सी कोई गुंडियां नाल उन्होंने कुट मार कीती सीगी उहनां नाल ते मेरी सिस्टर ने जद मैं अपने जोर ते परचा दर्ज कराया सी थाणा शिमलापुरी विच ठीक है उस तो बाद बैंस साहब का फोन आता मैनू भई हाँ यार अपने वो भी अपने बंदे ने तुसी आके ना इत्थे फैसला कर लो तुसी इत्थे आके फैसला कर लो मैं कहा चल यार पार्टी का मुखी हैगा उत्थे जाके फैसला कर लैने जब मैं उत्थे गया एक मेरी सिस्टर जिहड़ी रियल सिस्टर ते सारी साडी फैमिली खड़ी एक पासे ओ गुंडा खड़ा एक हाथ मुस्करा रहा मशकरियां उड़ा रहा बैंस साहब नूं और नज़र नहीं आया फिर मेरे दिल में उस दिन तो यह भावना सी भी ये लेडीज भी सच्ची आ जेड़ा मेरे सामने कहिंदे ना अखा देखिया ते कन्ना सुनी दा विश्वास करी दा मैं वह चीज़ देखी है बैंस साहब ने मेरी सिस्टर जिहड़ी रियल सिस्टर थी उहदे नाल कोई इंसाफ नहीं किया ये लोक इंसाफ पार्टी ना इंसाफ पार्टी है इहदियां मेरे को रिकॉर्डिंगा भी ने एक तुहानू मैं दसदा बैंस साहब ने पहले भी सिस्टर बनाई हुई सीगी 8 लाख रुपया दवाना सीगा जिहदा भी बैंस साहब 2.5 लाख 3 लाख रुपए में फैसला करा रहे ने मोगे दे बंदे ने
उन्होंने बकायदा मेरे को रिकॉर्डिंग आ, वह कह रहे हैं भी ये लोक इंसाफ पार्टी नहीं ना इंसाफ पार्टी है, भी असी बैंसा का नाम बहुत सुने सी, पर बैंस वो नहीं रहे। अज मैं भी कह रहा वा भी इस बार एम एल ए दे इलैक्शन च मैं हलका आत्मनगर का रहने वाला, भी आत्मनगर हल्के चो एम एल ए बैंस नहीं बनूगा, ऐतकी जो मर्जी हो जाए बैंस नू एम एल ए नहीं बनन दांगे असीं। इस मामले तुसीं किवें देखदे हो, कार्रवाई नहीं हो रही है कि बैंस विधायक बैंस नाल गल करदे हो, कहिंदे पोलीटिकल सारा अकाली दल दी जिहड़ी राजनीति है, इह तुसीं किवें देखदे हो? देखो ये वाकया ही पोलीटिकल प्रैशर आ, क्योंकि देखो पहले तुहानूं याद ही होना भी साधु सिंह धर्मसोत चोर है, सारा कुछ चलता सीगा कांग्रेस के खिलाफ, हुण क्यों नहीं चल रहा? बैंस साहब हुण क्यों चुप दा मूँह ते उंगल क्यों रख के बैठे हुए ने? हुण क्यों नहीं जोर पा रहा? हुण भी बच्चों को वजीफे कहड़ा मिल रहे हैं? हुण क्यों नहीं दबा रहे? हुण आशीर्वाद है जिहड़ा कैप्टन साहब का वह बैंस साहब नूं मिल गया होया, बाकी एक फॉरमैलिटी करनी है सरोपा पा के भी आ गए जी साढ़े च, बाकी बैंस साहब का तो काम ही यह है जो कोई मुसीबत पैंदी है जिहड़ी मौजूदा सरकार होंदी उहदे गोडे फट लेंदे है, बाकी यह राजनीति हैगी है, यह करते रहेंगे। आगू है गुरदीप गोशा हुणी है, गलबात करांगे वी उहदा इस मामले ते की कहना जी। गोशा अकाली दल दे आगू यूथ अकाली आगू नाल ने, गोशा साहब किवें देखदे हो हुण? समा बहुत लंघ गया वा, पहलां वी धरने दित्ते आ हुण वी धरने दित्ते जा रहे आ, अगों जवाब आउंदा वी बीबी अकाली दल दी प्रधान बणूगी महिला विंग दी आउंदे दिनां विच, कहिंदे अकाली दल दी रणनीति सारी इह। शर्म आणी चाहीदी इहो जिहे बंदिआं नूं, एम एल ए बैंस के नाल ही बीबी गली दे विच रहिंदी सी, उहनूं मसीहा मंनदे सी सारे लोग, क्योंकि उहदे नेड़े रहिंदे सी, सोचदे सी वी शायद इंसाफ दिवाऊगा। जिहड़े अज भी उस पाप के भागीदार, बैंस ने तो पाप किया सारयां नूं पता कारा किया, अज हर सत्था च गल चल रही है, जिहड़े अज भी उहदे हक च बोल रहे आ ते उह पापी नाल बण बराबर दे भागीदार बण गए। गुरु साहब ने कहा सी पापी दे खिलाफ खड़ना, पापी दे नाल नहीं। गुरबाणी कहिंदी सुख मंदा कि जित जम्मे राजान, जिन्होंने राजन जमन माड़ा क्यों कही है? आप बार बार कहने औरत मेरा बराबर है, फिर जो अज औरत इंसाफ लैन लिए सड़क से बैठना पै रहा तो वो पापी के भागीदार कौन बन रहे हैं? रवनीत सिंह बिट्टू बन रहे हैं, जिहड़े एम पी साहब है लुधियाने शहर से उन्होंने जिम्मेवारी बनती सी, भारत भूषण आशू जी की जिम्मेवारी बनती सी, वो पापी के भागीदार बन रहे हैं, मेयर साहब भागीदार बन रहे हैं, कमिश्नर साहब अग्रवाल साहब पापी के भागीदार बन रहे हैं, बैंस पार्टी के नाल जो शामिल बंदे अज भी शामिल है वह भागीदार बने। एक साडा वीर अमित अरोड़ा अज निकलिया कहिंदा वी ओह करैक्टर ते बहुत माड़े है, ते मैं नहीं चाहता कि मैनूं हुण पता लग गया, हुण मैनूं सारी सच्चाई सामने आ गई, ते मैं हुण अक्की देख के मक्की नहीं खा सकदा। इहो जिहे लोग जिहड़े जागे ना इह चंगे है, बाकी ते पाप दे भागीदार है। तुसीं चौथा पिल्लर हो, तुहाडी मैं प्राइम उहदे तों बेनती करांगा तुन्ना जी कि इहनां नूं मजबूर कर दिओ सी पी साहब, क्योंकि कानून अन्ना सुणिया सी ना तुसीं, हुण बोला भी हो गया ते गूंगा भी हो गया, ना तां पुलिस बोलदी है ना जिहड़े जिन्हां दी सरकार आ उह बोलदे, क्योंकि इहनां दा बनदा फर्ज बनदा, जे अज फर्ज तों भज रहे ना तो कितने ना कि जिहड़ा कारा बैंस ने किया है, जिहड़ी घटिया हरकत की है जिन्हों अज घरां दे विच कोई वाड़ के राजी नहीं, जिहड़ी उहने की है तो नाल बराबर दे आपां शरीक बन रहे हैं। जे अज पंजाब दे गुरुआं पीरां दी आपां गल करते हैं तो जे गुरुआं पीरां दी गल करते वूमन डे वाले दिन बड़ा आपां कैंडल मार्च कढ़ांगे, अज महिला दिवस है तो फिर अज बोलते क्यों नहीं? जे अज नहीं बोलते फिर कल वारी नहीं आनी। गलबात करी या कोई चेहरे ते कुछ लगता नहीं भी कोई यही गलबात हुई हैगी या जां कोई उन्होंने कार्रवाई हुई लगता नहीं? चेहरिया ते धुन्ना जी चेहरिया ते सारा कुछ लिखिया हुंदा ते सारा कुछ नहीं, बाकी चेहरा उहदा बोल पिया सी पहले दिन जिस दिन इल्जाम लगा सी ना बोल पिया सीगा। सुप्रीम तुसीं धुन्ना जी कानून जानदे हो, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग की है? सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है इस केस दे विच पहलां एफ आई आर दर्ज होवे फिर बाद च इंक्वायरी होवे। तुसीं बार बार सी पी साहब नूं क्यों नहीं पुछदे गल? कमिश्नर साहब नूं पुछो भी जद सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है तुसीं कोर्ट दा ऑर्डर क्यों तोड़ रहे हो, तुहानूं कि वक्री एक अथॉरिटी मिल गई, इहदा मतलब कि तुसीं पोलीटिकल लोकां दे प्रभाव हेठ काम कर रहे हो, तो यह तो सवाल तुहाडा उहनां नूं बनदा। सवाल सरकार कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं पुछो, डी जी पी नूं पुछो सवाल, साडा तो सिर्फ एक ही मतलब है, जे ये गलत है तो इत्थे एफ आई आर कर दिओ, जो वो गलत है तो उत्ते एफ आई आर पहला उत्ते एफ आई आर बनती सी फिर इंक्वायरी बनती सी, फिर जो इंक्वायरी जो बरी हुंदा फिर कह देंदे बरी भाई, फिर तो असीं भी मान लेंदे भी वो बरी है, पर जे अज भी वो भजदा पिया अज सरकार नूं बेचारी, मैं तो पहला तुहाडे चैनल ते कहता खिचड़ी बन चुकी है, खिचड़ी पैण वाली है वो तो तुन्ना जी तुहानूं भी पता ही है, तुहानूं भी ठीक है तुसीं बोल नहीं सकदे पर महसूस तो हर बंदा करदा ना भी अज चल गया। अज हर सत्थां च जिहड़े अज लोग उहनूं घर बुलांदे से बुला नहीं रहे, इसे करके नहीं बुला रहे, कोई बलात्कारी है, बलात्कारी नूं कोई भी घर नहीं बुलांदा, यह गल याद रखना, ना बुलायो जे बुलाओगे फिर इहदा मतलब तुसीं इज्जतदार नहीं। सनी कैंसल बुला रहे ने, कहिंदे ने लोक साडी पार्टी विच शामिल हो रहे ने, आए दिन लोगों वल्लों भरमा हुंगार दिता जा रहा, अकाली दल झूठी प्रैपरेशन जिहड़ी आ उह खड़ी कर रहा वा। कोई बंदे की गल करो, वो कोई बंदा है आ बैठा अमित अरोड़ा भी तो उन्होंने पार्टी देना छड़ के आना, मैं इन्हू सल्यूट करदा, मैं लंबे भी भेजूंगा यहोजे बंदे जिहड़े अज छड़ के आणगे ना उन्हू पार्टी जिहड़ी मर्जी ज्वाइन करन, सानू मतलब नहीं है कि साडे आला आण जां ना आण, पर जिधर मर्जी जाण पर इन्हां वल ना रहण, उहदे पाप दे भागीदार ना बण। सो महिला इत्थे हाजर मैम
तीन महीने वादा समा हो गया, कई बार अपनी गलबात हो चुकी है। तुम लगता भी इस तरीके थोड़ा इंसाफ मिल जाएगा हूँ, क्योंकि समा काफ़ी लंघ गया वा। जो पोलीटिकल लोग आते हैं तो बैंस पार्टी कहें भी पोलीटिकल लोगों का ड्रामा रचा जा रहा, हूँ कुछ भी नहीं है इस केस के। सर मर्द समाज है जो औरतें ना चलता, उन्होंने अपनी जमीर जगानी चाहिए है कि बैंस कोई होगा नहीं, बोलना चाहिए उन्होंने चुप क्यों ने। हम सारे वीर जोड़े आए ने, इन्हों का मैं धन्यवाद करती, इन्हें जमीर जागती है। किसी गलत बंदे का साथ देना भी पापी, पाप करने वाले बंदे का साथ देना भी आप खुद भी बंदा पापी होंगे। मैम उही गल ना, जो पोलीटिकल लोग आ जाते हैं तो ऑब्वियसली इदा कहना पैंदा भी हाँ यार ये अकाली दल की रणनीति है, अजिहा कहने साडे केस में हुण कुछ नहीं है। साडे उहनां दे आगुआं नाल गल भी हुई है भी हुण बीबी श्रोमणी अकाली दल की महिला प्रधान विंग की प्रधान बनूगी आउंदे दिनां विच, इत्थों तक कहता उन्होंने। उहनूं कहो मेरा पोलीटिकल करियर कोई प्रूफ कर दे, कदे किसी मैं पोलीटिकल फंक्शन च भी गई हूँ, इन्नी गल उन्होंने बोलनी नहीं चाहिए मेरे बारे च। मेरे बारे उन्होंने कोई पोलीटिकल कोई मेरे बारे कोई हो फ्यूचर इन पास्ट कोई भी मेरे बारे फ्यूचर की गल करें, फ्यूचर से तुम अकाली दल के महिला प्रधान होंगे। हाँ जी सर, फ्यूचर में प्रधान होंगे अकाली दल। सर क्यों मैनू पॉलिटिक्स की जरूरत है, मेरे नाल हुण जद एक MLA है, MLA दे बराबर मैनू साफ इंसाफ नहीं मिलता, तो हुण लोग मेरे नाल आके खड़ते हैं तो उन्होंने पोलीटिकल लगते हैं। हुण उहदी पार्टी के बंदे भी साथ छड्ड के मेरे को आए ने, क्योंकि वह कहते हाँ असी भी देख असी उन्हें रह के देख लिया कि बंदा गलत आ, वो ही छड़ के आए ने ना, अज ही देके आए रिजाइन। क्यों देके आए रिजाइन? क्योंकि बंदा गलत आ, इस करके वो हुण अपने बंदियां नूं भी कहे कि वो भी पॉलिटिक्स करन गए ने, क्यों छड्ड के आए ने। मैम किवें लगता हुण उस तो बाद कोई अज कल जां कोई गल हुई थोड़े अंदर पुलिस कमिश्नर नाल जां जिहड़े जांच अधिकारी उहनां नाल गलबात हुई है कोई? सर ये तक कोई कार्रवाई अभी तक कोई गलबात नहीं हुई, पुलिस कार्रवाई तो नहीं करना चाहती, मामला दबाना चाहती है। मामला दबूगा नहीं, क्योंकि जिन्हें करतूत की उन्हें सज़ा नहीं मिलनी मिलनी है, तो जिहड़े दे साथी इहदा साथ दिंदे उन्होंने इहदा साथ छड्डना चाहिए, जमीर जगानी चाहिए है। पापी का साथ देना भी एक पाप करन दे बराबर है। साडे नाल हरीश राज टांडा सीनियर वकील भी ने ते अकाली आगू नाल शामिल है। टांडा साहब की कारण हैगा भी तीन महीने बीत जाने तो बाद इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कोई परचा दर्ज नहीं किया, तुसी की कारण की समझ रहे हो? राजा साहब अन्ने है, पूरी पुलिस दिनकर गुप्ता जी नू रला के बोली है ते जनता गूंगी है। आया इन्हां नू आदत पै गई है, सोचते हैं कि जड़ा जोरावर बंदा जड़ा मर्जी क्राइम कर जाए तो कल्ले पुलिस को अधिकार है, जिहदा तो FIR कर दे ठीक है, दूजे नू दबी छड्डन ते उहनू मार लैन। इस कुड़ी नू मारन की कोई कसर नहीं छड़ी, बैंस खुले छड़े हुए हैं। बैंस के भरा ने इहदे भरा को जाके डराया धमकाया पैसे ऑफर किए। इन्हों का एक हैगा गोगी शर्मा PA जिहड़ा आशू का भांज है मंत्री जी का, उन्हें जाके इहदे फादर नाल बैंस की गल कराई जद यात्रा ते सी मुक्तसर कि अपनी भैन नू समझाओ, इहनू 80 लाख रुपया ऑफर कर लिया, इहनू जाण दीआं धमकियां देतीआं, साडे वर्गे जिहड़े नाल खड़े आ उहनां नू गालां कढ़ातीआं, सब कर लिया, पर पुलिस दे मनसूबे पूरे नहीं होणगे। मैं कमिश्नर साहब नू खुल के कह चुका, डिप्टी कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर नू खुल के कह चुका कि ये औरत रुकन वाली नहीं है। इस बंदियां नू आखिरकार बेलनिया चो लंघना पऊ, कानून दे बेलनिया चो, उस बेलनिया दे विच सवाल खड़े होणगे अश्विनी गुटियाल IPS ऑफिसर ते, कमिश्नर ऑफ पुलिस लुधियाना उहदे चो लंघना पऊगा, नाउ ईवन डिप्टी कमिश्नर पुलिस, हर पुलिस ऑफिसर जिन्हें इहदा 3 महीने डिले किया उहनां नू जवाब देना पऊ कि तुसी एविडेंस नष्ट क्यों होण च बैंसां दी मदद कीती। सर एक पास तां अकाली दल ते विरोधी पार्टियां कह रहियां ने भी बैंस भरावां दे पल्ले हुण सियासी तौर ते कुछ रहा नहीं, फिर कांग्रेस पार्टी नूं जिही की मजबूरी है, इहनां दी दो भरावां दी दो MLA ने, हुण 25-30 MLA ने, कोई सरकार डिगदी पई आ बंदा मदद करदा वा, कांग्रेस कोल 80 MLA ने, इह दो MLA ने क्यों एड्डी की मजबूरी बणी है कांग्रेस सरकार दी? आशू दी घरवाली ममता जी दे खिलाफ इन्हां ने कौंसलर क्यों नहीं खड़ा किया? आशू दे कज़न काले दे खिलाफ इन्हां ने कौंसलर क्यों नहीं खड़ा किया? क्यों बटाला दे केस दे विच इन्हां दी बेल डिसमिस होण दे बाद इन्हां ने अपना भाईचारक संगठन BSP नाल ते आप दे नाल तोड़ के अपना आजाद कैंडिडेट खड़ा करके कांग्रेस की मदद करके MLA जिताई, हुण तुहानूं हले समझ नहीं आता की मदद करनगे? क्यों चुप कर गए? क्यों गूंगे हो गए जिद्दन दी ये कंप्लेंट आई है? क्यों ऑल पार्टी मीटिंग कैप्टन साहब नूं गालां नहीं कढ़ियां जिवें अगे कढ़दे सी? क्यों हले भी समझाना पऊगा? वो दो सीट देखो कैप्टन सरकार ते मेरे तो कमेंट ना कराओ, मैं पॉलिटिक्स की गल नहीं करना चाहता, मैं ये गल करना चाहना है कि हिंदुस्तान का कानून है कि जे कोई कंप्लेंट आती है तो FIR रजिस्टर होने के बाद इंक्वायरी कंडक्ट होती है, ये क्यों नहीं हो रही? क्यों इंक्वायरी पहला की जा रही है? ये पुलिस दसे पुलिस से की दबाव है? आपने मैनू सवाल किया कि क्यों? ये दो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है,
तां क्यों कांग्रेस का प्रैशर है? ये कमिश्नर साहब नूं पुछो, इन्हां नूं कमिश्नर साहब नूं पुछो। मैं पुछिया ना तो आर टी आई च, मैनूं ये जवाब नहीं दे रहे। मैं आर टी आई च इन्हां नूं पुछिया कि कमिश्नर साहब जिन्नी देर दे तुसीं इस कुर्सी ते विराजमान हो, किन्ने रेप दे केस लुधियाने रजिस्टर होए हैं ते किन्नियां च तुसीं इस तरह इंक्वायरी की है? वह जवाब नहीं दे रहे, क्योंकि एक्सपोज होणगे। इन्हां दा जिहड़ा मखौटा पाया ना वर्दी का कि असीं इंसाफ दे पैरोकार है, इन्होंने खे करा ली इस केस च। कमिश्नर साहब ने लुधियाने आके अपनी रेपूटेशन बिल्ड की कि एक जनहित दे काम करते हैं, प्रोमटनैस हुंदी है इन्हां दी, कि एक केस दे विच अपने कीता कराया खोलिया। ये क्यों होया, की भार है कमिश्नर साहब से? एक मैं थोड़ा जजमेंट दिना, ललिता कुमारी की जजमेंट है, इन्हों भेजी है 6 जजमेंट्स, इन्हों भेजी हैं 6 लिख के बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, क्योंकि उदा लिया मोड़ देंगे हैं कि आ कानून सुप्रीम कोर्ट कहता यदि पालना क्यों नहीं करते? कोई जवाब नहीं। इन्हों कंटैम्प्ट नोटिस गया कि तुम अवमानना कर रहे हो सुप्रीम कोर्ट की, जरा केस नहीं रजिस्टर कर रहे, वह जवाब देन? नहीं जवाब दिता, नहीं देंगे। ये देखो अल्टीमेटली मैं पता पुलिस का होंगे की है, इन्हों तो जो मर्जी करा लो, बंदे मरवा लो, कटवा लो, फिर जब आप मरण लगते हैं फिर पैरों बह जाते हैं। मैं यही दस के हटिया कल कपूर साहब को, मैं कहा मैं 40 साल का एक्सपीरियंस है, मैं अश्विनी गुटियाल थोनू गड़गड़ांदी दिखाऊं। ये जिहड़ा देखो आम है ना जिहड़े लॉ दी, ये देर तो हो जाती है पर जब पैंदी है ना फिर बख्श दी नहीं, थपेड़ा सह नहीं होंदा। सीनियर वकील है ये सब पता, तुम भी गल की है भी पहले एफ आई आर होंगी फिर इनवैसिगेशन होंगी, मानयोग अदालत ने क्यों नहीं इन्हों फटकार लगाई भी एफ आई आर दर्ज करो? मानयोग अदालत ने क्यों समा पाता है, की कारण समझ रहे हो? डुबी तां जे सहा ना आया, अदालत नूं दिता गया है, अदालत साहब ने कानून नूं अखां मीच के नोटिस कर दिता, हुण असीं उहदे ते की कर सकते हैं? असीं उहदी रिविजन कर सकते हैं, कर दित्ती। उही ना उहदा ही तर्क दे रहे भी अदालत ने इहनूं फटकार लगाती जी, हुण अकाली दल अपना सियासी रोटियां सेक रहा इस मामले, कुछ भी नहीं हैगा इहदे विच, कहिंदे फटकार नहीं लाई अदालत ने। हुण तुहानूं दस दवां इही है जिहड़े बंदे इहनां नूं पता नहीं है कानून की है, पहला तो रिट फाइल हुई हाई कोर्ट च, हाई कोर्ट ने नोटिस ऑफ मोशन करता है, मतलब जवाब तलबी मंग ली, पर उसकी डेट 24 अप्रैल है, की कर सकते हैं? फिर असी प्राइव कंप्लेंट फाइल की, इन्होंने कंप्लेंट के अदालत को दो रास्ते से, एक तो पुलिस को कहे कि जी एफ आई आर रजिस्टर करो, असी क्या अदालत को कि ये यह जहा सबूत हैं जिहड़े अदालत नहीं लभ सकती, जिहड़े जिहड़ी पुलिस को लभने पैने हैं, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है। पर उस गल नूं जज साहब ने अपने विवेक के अनुसार इग्नोर करके इनू प्राइवेट कंप्लेंट ट्रीट करके शुरू कर ली इंक्वायरी, कोर्ट ने उस कहिंदे खत्म होगी, की खत्म होगी? कोर्ट ने इंक्वायरी शुरू कर ली, असी कोर्ट नूं लिख के इस वल्लों कंप्लेंट दिता कि मैनू आ सबूत चाहिए, मैनू मुहैया कराए जाओ। हुण अदालत कोल गल नहीं लभी, अदालत कहती यह मैं हुण नहीं कर सकती, ये प्रीमेच्योर है, बाद च करांगे। उहदे अगेंस्ट रिविजन पेंडिंग है, कल लगी हुई है। देखो अदालत का जिहड़ा सिस्टम है ना, वह स्टैप बाय स्टैप चलता है, अदालत का सिस्टम एवें नहीं चलता जिवें पुलिस का चलता है। एंड अल्टीमेटली लॉ विल प्रवेल, अल्टीमेटली जस्टिस मिलेगा इनू। पर यह कह देना कि अदालत ने फटकार ला, कादी फटकार लाती? किहड़ा ऑर्डर अदालत ने इहदे उल्ट करता? एक भी नहीं किया, रादर इहदे एप्लीकेशनां दे उत्ते हरकत चाही हुई है कोर्ट, कोर्ट ने अपनी इंक्वायरियां शुरू करतियां, वह किदां कहिंदे आ कि जी फटकार पाती कोर्ट ने? ये उन्हां दा बहुत वड्डा भुलेखा है। ये जिहड़ियां नूं सजा के बैंस साहब भेजदे आ ना गालां कढ़ाउण नूं, मैनूं गालां कढ़ाउंदे आ, होरां नूं गालां कढ़ाउंदे आ, इहनूं गालां कढ़ाइयां बेचारी नूं, एक बंदा लैके मेरे इहदे नाल नजायज़ संबंध सीगे, ये हथकंडे बैंस साहब दे पुराने हो गए, उन्हां नूं दस दिओ हथकंडे कम नहीं आने, ये इहनां दा अल्टीमेट घल्लूकारा होगा, इहदे विच बैंसां नूं कानून दे बेलियां चों लंघना पऊगा। लोकी साहब पार्टी आगू ने साड़ी गल हुई, वो कहते भी साड़ी छवि कोई खराब नहीं हो रही, इस नाल साड़ी पार्टी में लोग आ रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, बैंस साहब जी लोग पक्षी नीतियां ने जां उन्हां दा रवैया हैगा उन्होंने लैके लोग अज भी लोकी साहब पार्टी नाल खड़े ने, अकाली दल की रणनीति तो कहते भी लोग प्रभावित नहीं हुए हैगे? जे रेप करना भी इहनां लई गोल्ड मैडल है तक लै लैण, ये अज तक ये कहिंदे हुंदे आ जिहड़ा केस रजिस्टर हुंदा साडे तां गोल्ड मैडल है। इन्हां ने अपने आका अपने गुरु जिन्हां नाल पहलां जुड़े सी मान साहब, मान साहब की पग लाई घर रखी हुई है, वो इन्हों का पहला गोल्ड मैडल है, ट्रॉफी रखी है, कई होना पगां लाइया। कल परसों एक मैं सुन रहा है कि राजा बड़िंग ने उन्हें कुर्ते पजामे सवाए नहीं होने जिन्हें बैंसा ने पाड़ते, इन्हों की राजनीति विस्फोटक है। एक करैक्टर इन्हों लोगों का नहीं, लोगों को नहीं पता कि रेपिस्ट भी हैं ये। तुम एफ आई आर रजिस्टर हो दौ, कई होर केस अगे आएंगे, साड़ी नॉलेज है पर असी अज बोल नहीं सकते। कैप्टन अमरिंदर सिंह हमेशा इस गलों जाने, भावें अकाली दल तो
कैप्टन अमरिंदर सिंह इस गलों जाने जाते हैं भी अपने विरोधियों को बख्शते नहीं है भावना वह बादलों की गल कर लिए किसी की भी गल कर लिए पक्के विरोधी से कैप्टन अमरिंदर सिंह होर पूरे तड़के बयान देंदे कैप्टन अमरिंदर सिंह खिलाफ़ तो कैप्टन अमरिंदर सिंह किवें ढल गए एकदम किवें चेंज हो गए कैप्टन अमरिंदर सिंह जे कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने महल चो बाहर नहीं निकलेंगे उन्हां कोल कोई आवाज नहीं पहुँचूगी तो कैप्टन अमरिंदर की बहस मदद कर देंगे फगवाड़े च इलैक्शन लड़ के अपना संगठन नू छड़ के आप नू भी छड़ता ते बीएसपी नू भी छड़ता जे यह आशू की घरवाली के खिलाफ कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे ये काले के खिलाफ आशू के ब्रदर के खिलाफ कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे ये सारी दुनिया खिलाफ बोलेंगे आशू के खिलाफ कदे नहीं बोलेंगे आशू इन्हों राशन दूगा पेंडेमिक जड़ा थैले बदल के बेचणगे इन्हां दियां जिहड़ियां सांझां दियां जड़ां है बहुत डूंघियां पहली गल दूजी गल यह है कि सियासत दे विच ना कोई दुश्मन हुंदा है ना कोई मित्र हुंदा है सियासत च लोग अपने छोटे छोटे मफाजां लई अपने कन्न भी बंद कर लेंदे हैं अखां भी बंद कर लेंदे हैं मूँह भी बंद कर लेंदे हैं ये कैप्टन साहब नूं बहुत बड़ी इहदी खमाजा देना पऊगा पर मैं हले सियासत ते कमेंट नहीं करना चाहता हले तो मैं एक क्राइम इशू ते गल करना चाहना कि जे किसी औरत नाल जबरन जनाह हुंदा है चाहे वह एम एल ए हो कानून सारे लिए सेम है यदि एफ आई आर रजिस्टर होनी चाहिए है तो यदा कार्रवाई पुलिस की होनी चाहिए थोड़ा हूँ की लग रहा इंसाफ मानजोग अदालत वालों मिलेगा ज पहला पुलिस कमिश्नर या लुधियाना पुलिस या पंजाब पुलिस इंसाफ इस लेडी ने कर देगी जे सच पुछो तो मैनू कदे उम्मीद नहीं सी कि पुलिस इन्नी ढीठ निकलूगी पुलिस इन्नी कमजोर निकलूगी पुलिस इन्नी अपनी ड्यूटियां तो भुली हुई मिलेगी पुलिस इन्नी बेईमान ते मजबूर मिलेगी मैं नहीं सोचा पर हले मैं पुलिस नूं किदां नापां कि किन्ने ढीठ हैं मेरे अनुसार तो मैं तो रोज़ होप करदा कि एफ आई आर होगी रोज़ होप करदा मैं किसी दिन बेअसा नहीं सुत्या मैं सोचा कुछ तो सर हो कदे तो अपने पोलीटिकल बॉसिस कहे भाई बहुत हो गई हूँ साडा तो बुरा हाल हो रहा है बड़ी बदनामी हो रही है असी कानून की उलंघना कर रहे हैं साडे कैरियर ना तबाह हो जाए कदे तो हिलन गए पर जे नहीं हिलते तो अदालत कराऊगी ये करना तो पैना है पर जिन्ना लेट कर रहे हैं उन्ना ठीक है यदा केस वीक हो रहा है क्योंकि जो एविडेंस कलैक्ट करना से नहीं हो रहा बट उन्ना ही केस मजबूत हो रहा है पुलिस के खिलाफ कि इन्होंने इस लेडी नू इहदे हकां लई दरवाजा बंद करके रखा ये डेफिनेटली ये जे कमिटमेंट ते खड़ी एंड तक बहस नू सजा होगी होगी मेरे वर्ड्स याद रखी हरीश राय टांडा गुरदीप गोसा होना भी असं गलबात की सो वे इल्जाम लग रहे हैं वार बार गल आ रही है कांग्रेस पार्टी सांझा की गल आ रही जी लोक इंसाफ पार्टी लोगों इंसाफ दवाने की गल करती सी अज कितना कितने कांग्रेस पार्टी के लोग इंसाफ जी घ्यो खिचड़ी हो गई है जिस करके बीबी को तीन महीने तो बाद कोई इंसाफ नहीं मिल रहा सो बीबी का साफ तौर पर बार बार यही कहना है भी जे मैं गलत हाँ मेरे परचा दे के मैं अंदर किया जाए पर पुलिस के दोहों पासे तो कहीं ढिल्ली नज़र आ रही है ना विधायक विधायक बैंस खिलाफ़ कोई कार्रवाई हो रही है ना इस बीबी खिलाफ़ कोई कार्रवाई हो रही है पर सियासत जरूर जोरों पर है विधायक बैंस से दोष लगाने वाली बीबी बार धरने पर बैठी हुई है कई दिन हो गए तीन महीने तो वाधा समा आ गया है सो मीडिया भी बीबी ने गलबात करता अकाली आगू सवाल पूछता कितना कितने अगे एक अद्धे कांग्रेस पार्टी के आगू तो भी सवाल होंगे पर सब तो वड्डा सवाल बनता है इस प्रशासन तो पुलिस प्रशासन तो सवाल बनता है जिदे करके सारी यह डिले हो रहा सुप्रीम कोर्ट मानयोग सुप्रीम कोर्ट जो हुक्म ने उन्होंने कितना कितने उलंघना हो रही है अकाली दल यह दोष लगा रहा है जो प्राइम मूवर की टीम इस संबंधी पुलिस कमिश्नर लुधियाना तो या पुलिस लुधियाना तो जानकारी लैन पहुंची तो करीब पौना घंटा वेट करने तो बाद सानू कोई जवाब नहीं मिलया पुलिस कमिश्नर लुधियाना दफ्तरों सानू यह जवाब मिलया भी यदि जी जांच है वो ए डी सी पी मैम करते हैं उन्होंने को गए तो उतों जवाब मिलया भी यदि इनवैसटीगेशन डी सी पी अश्विनी कपूर जी करते हैं जो उन्होंने दफ्तर जाने तक पता लगता भी वो रोटी खान गए हुए हैं रीडर भी उत्थे नहीं मिलते सो कह सकते हैं भी जवाब चाहिए सी पुलिस कमिश्नर लुधियाना तो असी लीडर तो जवाब नहीं मंग सकते लीडर जवाब होंदा भी जांच चल रही है असली सवाल जवाब दे है पुलिस प्रशासन पर सानू पौना घंटा वेट करने तो बाद पुलिस वालों कोई भी जवाब जिहड़ा नहीं मिलिया सो कैप्टन साहब गल करते इंसाफ की अज मैं लगता कितना कितने इंसाफ सियासी जड़े दबाव हेठ दबिया जरा जा रहा अकाली दल भी यही दोष लाद पर जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग कहती है भी एफ आई आर पहला दर्ज करो फिर इनवैसटीगेशन होनी है इतने काम उल्ट हो रहा सो जवाब देने कोई तैयार नहीं आने दिन अभी जवाब जरूर लवेंगे लोग जवाब लेंगे भी आखिरकार पुलिस एड्डी ढिली क्यों चल रही है मैं इंद्रपाल सिंह धुना कैमरामैन अमृतपाल देखते रहो प्राइम मुद्दे सत श्री अकाल।